हेलो दोस्तों, मेरे और आपके एजेट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो आज की वीडियो होने वाली वो होने वाली है टेक्नो स्पार्क 7 प्रो के बारे में। टेक्नो के जितने भी फोन या टेक्नो स्पार्क 7 की बात कर लें, हम इसमें एक एप्लीकेशन देखने को मिलता है जो है फ्रीजर के नाम से। इस एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, क्या काम आता है, कैसे इसे उपयोग करते हैं और ये कैसे होम स्क्रीन से हट सकता है, इन टॉपिकों के ऊपर ये वीडियो होने वाली है। अगर आप टेक्नो का फ़ोन उपयोग करें तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको समझ आ जाएगा कि जो फ्रीजर नाम से एप्लीकेशन होता है उसे कैसे उपयोग करना है, कैसे हम स्क्रीन से हटा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने हमारे एजिट चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन पर आ जाते हैं मेन टॉपिक ऊपर। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो फ्रीजर नाम का एप्लीकेशन होता है क्या काम आता है और कैसे इसको उपयोग कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, आपके फ़ोन में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो फालतू के होते हैं या उनको आप उपयोग नहीं करते हैं, तो आप इस एप्लीकेशन उन एप्लीकेशन को डाल सकते हैं और डालने के बाद वे एप्लीकेशन हाइड भी हो जाएंगे और दूसरी बात वे बैकग्राउंड में बिल्कुल भी रन नहीं करेंगे और वे बैकग्राउंड में नहीं चलेंगे, तो इसके कारण आपकी जो मोबाइल की बैटरी है ज़्यादा चलेगी और आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, मतलब ज़्यादा बैटरी चलेगी तो। और बात कर लेते हैं अब इसको कैसे हटा सकते हैं होम स्क्रीन से। जो फ्रीजर नाम का एप्लीकेशन है उसको हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, मोबाइल की होम स्क्रीन पर लॉन्ग क्लिक करनी है और आपको जो iOS लॉन्चर है उसकी सेटिंग में आ जाना है। इसके बाद आपको आ जाना है अदर सेटिंग। अदर सेटिंग में आने के बाद आपको एक फ्रीजर के नाम से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसको ऑफ कर देना। ऑफ करने के बाद आपकी जो फ्रीजर की प्रॉब्लम है आपके होम स्क्रीन पर आ रहा था वह अब आपको नहीं देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, साथ दो आप पहला आइकन। मेरा नाम अजरुद्दीन, आप देख रहे हैं एजेटच।